आज हम बनाने वाले हैं और एक थीम केक की डिज़ाइन। तो क्या थीम है वो आपको बाद में बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है, कोई भी नोजल मैंने यूज़ नहीं किया है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना है केक, तो वीडियो पर बने रहिए। तो मैंने जो है बेस को 3 स्लाइस में कट कर लिया है और बेस है वेनिला फ्लेवर की, लेकिन इसके बीच जो है मैं चॉकलेट गनाश भी यूज़ करूँगी और चॉको चिप्स भी, क्योंकि वाला जो केक है मेरे भाई के लिए है, मतलब चाचा का लड़का, उसका बर्थडे था तो उसके लिए मैं बना रही थी। तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टेस्ट आए इसलिए गनाश यूज़ किया है। और अभी यह है चीनी और पानी की मदद से मैं जो है केक को सोक कर लिया है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना आपको सोक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जब फ्रिज में रखोगे केक तो केक जो है बहुत ही ड्राई हो जाएगी। ठीक है, सोक करने के बाद मैं जो है गनाश थोड़ा सा अप्लाई कर दिया है केक के ऊपर, फिर क्रीम, और उसके ऊपर फिर से मैं ढेर सारा गनाश उसके ऊपर पोर कर दिया है। और गनाश आपको चारों ओर स्प्रेड करना है ताकि चारों ओर से गनाश की फील आए, मतलब टेस्ट आए। ठीक है, उसके बाद चॉको चिप्स अप्लाई कर दिया है और गनाश आप जो है, मैं तो व्हिप्ड क्रीम के मदद से मेल्ट किया है, लेकिन आप जो अमूल की फ्रेश क्रीम आती है उसी से भी कर सकते हो या फिर मिल्क से भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो है ज़्यादातर व्हिप्ड क्रीम से कर देती हूँ और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। फिर मैंने ले लिया है सेकेंड बेस, उनको भी सोक करने के बाद गनाश अप्लाई कर दिया है ताकि चॉकलेट की जो सिरप है, मतलब गनाश है, वो केक के अंदर तक जाए और फ्लेवर आए। उसके ऊपर मैं क्रीम लगा दिया है और एक गनाश और चॉको चिप्स। इसी तरह मैं जो है तीनों लेयर को असेंबल कर लिया है। तो ये वाला जो केक है 1.5 पाउंड की है। ठीक है, 1 पाउंड से ऊपर मतलब 650 या 700 ग्राम की होगी। ठीक है, और इसका जो टॉप लेयर था उसको मैंने जो है फ्लिप करके रखा ताकि ऊपर की जो सरफेस है हमें क्लीन मिले और ज़्यादा क्रम्स ना निकले। और थोड़ा सा मतलब ड्राई हो गया था तो मैं जो है नाइफ की मदद से थोड़ा सा सोक करने के बाद इसी तरह निकाल लिया है। आपको सोक करने के बाद ही करना है, नहीं तो आपको केक जो है टूट जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से क्रीम लगा लिया है और क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो इस केक में ना क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बहुत गर्मी है और क्रीम मेल्ट हो जा रही है और ऊपर इसका जो केक है पूरा वाइट है। ठीक है, तो इसका जो क्लीन है पूरा प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। ठीक है, इसको अभी मतलब मैं 5 मिनट के लिए रखा था फ्रिज में, उसके बाद मैं पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम लगा रही हूँ। मैं तो ज़्यादातर क्रीम पाइपिंग बैग की मदद से लगाती हूँ ताकि क्रीम मतलब इवेंटली केक के ऊपर लगे और ज़्यादा ना लगे। अब अगर स्पेचुला से लगाओगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाती है, तो मैं जो ज़्यादातर पाइपिंग बैग की मदद से लगाती हूँ, मुझे आसानी होती है। ठीक है, इसके बाद स्क्रैपर लेना है और इसी तरह टर्न टेबल को रोटेट कर देना है। आपको आप देख सकते हो क्रीम थोड़ी सी फटी फटी सी हुई है, क्योंकि जब मैं बना रही थी तब 42 डिग्री थी और मैं रहती हूँ 300 ग्राम में, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कितनी गर्मी थी, तो केक बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन बनाना तो है ही, आप देख सकते हो क्रीम की टेक्सचर जो है थोड़ी सी मेल्ट हो जा रही है और धूप साइड में, अब धूप भी देख सकते हो कितनी धूप आ रही थी। ठीक है, तो और मैं जो है फैन चला के बना रही थी तो फैन की जो हवा है ना, इसीलिए मतलब क्रीम ड्राई भी हो जा रही थी। तो आप क्या करें, स्पैचुला को जो है पानी में डिप कर करके इसके फाइनल आइसिंग है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, कुम लिया है, साइड में कुम कर दिया है और ऊपर भी इसी तरह रैंडमली स्ट्रोक मार दिया हो, क्योंकि मतलब फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं जो है इसी तरह एक टेक्चर बना दिया है। अभी फ्रिज में रख दिया है केक को और अभी हम लोग विदाउट कोई मोल्ड के बिना हम लोग टॉपर बनाएंगे, वो भी चॉकलेट से। ठीक है, हमें कोई टॉपर की ज़रूरत नहीं, तो एक प्लेन पेपर लेना है, कोई भी पेपर ले सकते हो और पेंसिल की मदद से इसी तरह ड्रॉ कर देना है। और मैं एक गलती कर बैठी हूँ क्योंकि इसके ऊपर ना एक प्लास्टिक की कोई भी ट्रांसपेरेंट एक पेपर लगाना था, मैं भूली गई, इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आप क्या करें, ड्रॉ करने के बाद पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कोई पेपर स्टिक कर दे सेलो टेप की मदद से, उसके ऊपर फिर आप ड्रॉ करें। ठीक है, तो इसी तरह आपको ड्रॉ करने जहाँ मैंने ड्रॉ किया है उसके ऊपर इसी तरह मतलब उसके ऊपर फिर से चॉकलेट की मदद से ड्रॉ करना है। और इसको मैं मतलब टूथपिक लगा दिया है क्योंकि हम लोग इसको स्टैंड करेंगे। ठीक है, और ये पतला होने से टूट जाएगा, इसलिए इसके ऊपर दोबारा से मैं जो है चॉकलेट लगा रही हूँ और आप देख सकते हो कितनी आसानी से निकल जा रही है। बस आपको क्या करना है, पीछे से प्रेस करना है और ऊपर मतलब उठ जाएगी। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हो गया है। और जब मैं लगा रही थी तब कैमरा ऑन करना भूल गया था तो इसीलिए शूट नहीं हुआ। तो इसी तरह मैं जो है इसको प्लेस कर रही हूँ और केक बहुत ही सिंपल है,
लेकिन ये वाला जो केक है म्यूजिक थीम केक है, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ऐसे वाली केक, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए बाय।